दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष मनमोहक बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला, महिलाओं को संस्कार देने वाला, एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाला, एक अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में यह व्यक्ति व्यक्ति के अंदर बदलाव लाता है, व्यक्ति का सुधार करता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। और प्रतिदिन इस कार्यक्रम के अंदर नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं, तो उसी क्रम के अंदर आज का विषय है भारतीय दर्शनों में जगत की अवधारणा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जगत का अर्थ होता है विश्व, संसार, कॉस्मॉस, पृथ्वी, पर्यावरण। ये जगत क्या है, इस जगत का नियंता कौन है, इसको जगत को किसने बनाया है, ये जगत कैसे चलता है, इसके बारे में अलग अलग धर्मों की, दर्शनों की क्या क्या अवधारणा है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सामान्यतया इस जगत को, पर्यावरण को, जो हमारे पर्यावरणविद है, हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है, वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, पेड़ पौधे, वायु, हवा, ये सब जिसका समूह होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं, उसको हम जगत कहते हैं, उसको हम कॉस्मोस कहते हैं। और अगर दर्शन की बात करें तो धर्म दर्शनों के अंदर जगत के लिए बताया गया है कि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पांच भूतों से ये सृष्टि बनी है। पांच भूतों के अंदर ही इसके अंदर 84 लाख उत्पत्ति स्थान हैं, 84 लाख जो है उत्पत्ति स्थानों के जीव यहाँ निवास करते हैं, उसको हम जो है जगत कहते हैं। और कुछ वैदिक धर्म दर्शनों की जो है यह मान्यता है इस जगत का नियंता ईश्वर है, इस जगत को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर इस जगत को चलाता है, ईश्वर की आज्ञा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी सारा कुछ जगत को जो है करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर ही प्राणियों को जो है जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप जो है दंड देता है, पनिशमेंट देता है और रिवार्ड देता है, ये अलग अलग मान्यता है। आज भारत के अंदर जो हमारे 55 तरह के धर्म दर्शन मौजूद है और विश्वविद्यालयों के अंदर सब बच्चों को 55 तरह के धर्म दर्शन की जो है वो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ाई करवाई जाती है, और उसके अंदर जगत की जो है नियंता कौन है, जगत सृष्टि का निर्माता कौन है, जगत क्या है, जगत कैसे चलता है, उसके बारे में सारी व्याख्या की जाती है। और मनुष्य के जब दिमाग के अंदर, विचारों के अंदर, भावना के अंदर, भावना में ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस तरीके के प्रश्न उठते हैं कि जगत क्या है, जीव क्या है, तो ये मानना चाहिए कि वह व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वह व्यक्ति जो है वो एक ब्लिस चाहता है, शाश्वत इटर्नल ब्लिस चाहता है, स्थायी सुख चाहता है, इसके लिए प्रश्न खड़े होते हैं। और यहीं से धर्म की उत्पत्ति होती है, दर्शन की उत्पत्ति होती है, ये जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा के साथ ही जगत की उत्पत्ति होती है, यानी जगत के विचार जो आते हैं। जैन दर्शन के अंदर जगत की व्याख्या अलग है, जैन दर्शन मानता है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 6 द्रव्य जिस स्थान में मौजूद होते हैं वह लोक कहलाता है, वह जगत कहलाता है, वह संसार कहलाता है, वह विश्व कहलाता है। और इसका विशेष विवरण जो है हम विस्तृत रूप से जो है जब इसकी टर्न आएगी उस समय में करेंगे, अभी तो इतना ही बताएंगे। अब देखिए जगत के बारे में कितनी परिभाषाएं जो है हमको मिल गई है, और इस जगत के अंदर कुल अभी वर्तमान के अंदर 7 अरब की जनसंख्या है, और यहाँ पर 4 गति, 84 लाख जीवायोनि निवास बताई जाती है। 4 गति होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के जीव पृथ्वी,
कि गर्भ में रहते हैं और 7 नारकियां होती है, उसके अंदर उनके अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है, वहाँ पर बहुत सर्दी रहती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और कहीं पर बिल्कुल सूर्य दिखाई नहीं देता है। यानी नरक गति के अंदर वो जीव रहते हैं जिन्होंने की बहुत बड़ी हिंसा की होती है और उन कर्मों को भुगतना होता है। और तिरेंच गति मनुष्य गति है हमारे सामने इस चराचर जगत के अंदर। हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे मनुष्य कीड़े मकोड़े जानवर ऐसे शेर चीते सारे जितने भी ये जीव जंतु है वे सब इस चराचर जगत के अंदर तिरेंच गति में कहलाते हैं। और जितने मनुष्य हैं वो मनुष्य गति है और देवलोक होता है वह देवगति कहलाती है, वो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर है। और यहाँ पर 12 देवलोक कहे जाते हैं, उसके बाद के अंदर 9 नवग्रह वेयक है उसके ऊपर में, और उसके बाद के अंदर जो है वो 7 वैमानिक देव, इस तरीके से 26 देवलोक कुल माने जाते हैं। और इन सबसे ऊपर जो है हमारे इस लोक के ऊपर सिद्धशिला आती है जहाँ पर मोक्षगामी जीव रहते हैं, मोक्ष वाले जीव रहते हैं। वो आत्माएं असंख्य होती है और उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली होती है, उन्होंने इंटरनल ब्लिस का स्पर्श कर लिया होता है और बड़े आनंद के अंदर रहती है। और वो 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण नहीं करती है। अब इस जगत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि 84 लाख जीवायोनि सारे धर्म दर्शन बोलते हैं कि मनुष्य 84 लाख जीवायोनि में अपने कर्मों के अनुसार भटकता है और इन योनियों के अंदर कर्मों के अनुसार जो है वो पनिशमेंट उसको प्राप्त होता है या रिवार्ड प्राप्त होता है। तो हम देखें कि वो 84 लाख जीवायोनि कौन कौन सी है, उसकी बकायदा गिनती दी गई है कि इसको हम गिनती करें। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्र, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवायोनिया। जीवायोनिया मतलब उत्पत्ति स्थल, और उस उत्पत्ति स्थल के अंदर असंख्य जीव है, अनंत जीव है। जीवों की संख्या जो है वो इन्फिनिटी है, अनंत है। और ये जीव जब से जगत बना है तभी इसके अंदर रहते हैं और सारे परमाणु हैं जो अजीव है वो भी इसमें रहता है। ये सारी सृष्टि जीव और अजीव से जो है बनी हुई है, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है। हर धर्म दर्शन ने 84 लाख जीवायोनियों को मान्य किया है। 84 लाख जीवायोनियां उत्पत्ति स्थान है और इसके अंदर जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है। और ये सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसे जैसे उनके कर्म किए होते हैं उसके अनुसार पनिशमेंट पाते हैं या रिवार्ड पाते हैं, और 84 लाख जीवायोनि के अंदर घूमते रहते हैं। और जब इन प्राणियों की आत्मा एकदम शुद्ध हो जाती है, समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं, सारे पुण्य पाप को धो देते हैं, तब ये आत्मा पवित्र होकर के ये सिद्ध स्थान के अंदर मोक्ष के अंदर चली जाती है। वह सिद्ध शिला भी ये हमारे इस सृष्टि और जगत के सबसे ऊपरी स्थान में आया हुआ है और वह भी इस लोक का भाग है, एक जगत का भाग है। भाई और बहनों, दर्शक गण, श्रोतागण, कितनी सुंदर व्याख्या भारतीय संस्कृति के धर्म दर्शनों में जगत के रूप में की है। और कोई लोग ये मानते हैं कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। दादा भगवान का जो वीतराग विज्ञान है वह यह कहता है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। कुछ इस तरीके की शक्तियां आपस में मिलकर के, किस इस तरह के संयोग आपस में मिलकर के इस सृष्टि को चलाते हैं। तो इन सब मान्यताओं के आधार पर एक बात तो निश्चित है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का जो हमें ये समवाय दिख रहा है यह लॉजिकली ये सही मालूम पड़ता है कि ये जगत है। और इस जगत के चराचर जगत के अंदर कई प्राणी निवास करते हैं ये हम देखते हैं। इस तरीके से जगत की हमने परिभाषा की। अब प्रश्न यह है कि इस जगत की परिभाषा से व्यक्ति को क्या लाभ है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो
तो हम इस जगत के अंदर रह रहे हैं तो इस जगत के प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्योंकि मनुष्य चेतनाशील प्राणी है, मनुष्य ज्ञानवान है, मनुष्य विवेकमान है और इस जगत का, इस सृष्टि का वह संरक्षक है। नियंता मान लो ईश्वर भी है या संजोग है या कोई भी नियंता है, लेकिन इसकी संरक्षक जो है, संरचना करने वाला, इसको प्रोटेक्शन देने वाला मनुष्य है। और सबसे ज़्यादा दायित्व मनुष्य का है कि इस जगत का जिसके अंदर हम जी रहे हैं उसको दूषित नहीं करे, उसका दोहन नहीं करे, उसका एक्सप्लोइटेशन नहीं करे, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करे। लेकिन आज मनुष्य बहुत ग्रीडी हो गया है, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है और वह अपने लोभ के कारण जो जगत के पांच मूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है उनसे सबसे ज़्यादा वो लाभ प्राप्त कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे लाभ कर रहा है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का खनन कर रहा है, खनन करके बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे गहराई में जाकर तेल पेट्रोलियम निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है, पानी तो ठीक है पीने के लिए चाहिए, और पृथ्वी की गर्भ के अंदर हीरे पन्ने माणक मोती और 106 तरह के जो विज्ञान ने आ सब्सटेंस तत्व माने हैं वो सारे पृथ्वी के गर्भ में हैं। तो उसका दोहन कर रहा है, उसको निकाल रहा है, वो अपनी तृष्णा की पूर्ति करने के लिए, लोभ की पूर्ति करने के लिए। इसीलिए हमारी पृथ्वी का जो संतुलन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो डिस्टर्ब होता है। विज्ञान ये कहता है कोई भी चीज़ स्थिर क्यों है अपनी जगह पर, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम जो है वो नियमित है, संतुलित है, एडजस्ट हो चुकी है, रिजल्टेंट अवस्था के अंदर है। लेकिन जब इसका दोहन किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है और जो नदियां बहती है उनके पानी को रोक दिया जाता है और समुंदर के जो जीव है जिसके अंदर वो आराम से रहते हैं उस समुंदर को खाली कर दिया जाता है या उस समुंदर को जो है दूषित कर दिया जाता है, तो प्राणियों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि सारी सृष्टि जो है प्राणियों की जो है जननी है, निवास देने वाली है, और उसी के अंदर वो सारे प्राणी अपने अपने जलचर है वो पानी में रहते हैं, थलचर जो है वो आकाश में रहते हैं और खेचर होते हैं पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े चलने वाले जो तृष्णकाय जीव है वो सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति पृथ्वी का दोहन कर रहा है, पानी को रंगाई के द्वारा या वेस्टेज करके वो पानी को जो एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा करके तो निकाल करके उसका कर रहा है, वायु को कारखानों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, यानी पर्यावरण को अशुद्ध किया जा रहा है। तो ये व्यक्ति के लोभ के कारण हो रहा है और ये जगत सृष्टि है उसका जो है असंतुलन किया जा रहा है। असंतुलन की स्थिति के अंदर जो नॉर्मलिटी होती है जगत की वो पर्यावरण विद कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मनुष्य का इस जगत के प्रति कर्तव्य ये है कि इस जगत ने जो हमें स्थान दिया वो हमारा पालन पोषण कर रहा है, तो जितनी हमारे जीवन को आवश्यकता हो उतनी चीज़ें हम सृष्टि से लेवें, उतनी चीज़ें हम पर्यावरण से लेवें, उसके अतिरिक्त उसका दोहन ना करें, अतिरिक्त दोहन करने से उसमें असंतुलन आता है। तो इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि सृष्टि का, इस पर्यावरण का, इस जगत का, इस कॉस्मोस का जो है वो अतिरिक्त दोहन ना करे, इसका संतुलन बनाए रखे। अब देखिए भाई और बहनों, हम देखें कि हम इस सृष्टि के अंदर बड़े आराम से जीवन यापन कर रहे हैं और 7 अरब की जनसंख्या और 84 लाख जीव योनियां बड़ी प्रसन्नता के साथ इसमें रहते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा आश्रय है, ये हमारा परिवार है, यहाँ बड़े आनंद के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वो आराम से जीना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। तो इसीलिए और जो चेतन आत्माएं हैं उनको कोई बनाता नहीं है,
ये चेतन आत्माएं तो पहले थी, आज है और आगे रहेगी। ये तो अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख जीवा योगिनी उन्हीं के अंदर भटकती रहती है। तो हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व के फार्मूले से सभी लोग सभी प्राणी एक साथ रहें। एक साथ कब रह सकते हैं? एक साथ जो ये तकलीफ कौन पैदा करता है? ये तकलीफ मनुष्य पैदा करता है। क्यों? ये कहा जाता है जीवो जीवस्य भोजनम, शेर भूखा होता है तब शिकार करता है। मान लीजिए उसने 2-3 दिन के अंदर एक भेड़िए को खाया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये उसका उसके जीवन का भरण पोषण है। और हम लोग भोजन करते हैं वनस्पति फ्रूट वगैरह जो है, ये सारी सब्जियां वगैरह है, ये इस जगत से लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे निर्वाह के लिए वो तो नीड है, वो करना कोई गलत कार्य नहीं है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन का संचालन नहीं होता है। लेकिन उसके अतिरिक्त हम अनावश्यक रूप से जो है प्राणियों को कष्ट देते हैं, शिकार करके जो है लोग प्राणियों को मारते हैं, उसके साथ साथ में लोग मांसाहार करते हैं। सबसे बड़ा जो जगत का असंतुलन में भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आज विषय के साथ के अंदर बताना चाहता हूँ कि मांसाहार करते हैं वो लोग कितने प्राणियों को खा जाते हैं। अब देखिए हमारे पास में वनस्पति है, हमारे पास में पेड़ पौधे हैं, हमारे पास के अंदर फ्रूट है उनसे, और हमारी गाय है जो दूध देती है, दूध से कितनी तरह की चीज़ें बनती है, दूध के बाद दही बनता है, छाछ बनता है, और जो है वो मक्खन बनता है, और उसके बाद के अंदर घी बनता है, और दूध से कितनी तरह की मिठाइयाँ, कितने तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हम खाते हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अब जो माँ हमको दूध देती है चारा खा कर के और हमें दूध देती है, उसको स्लॉटर हाउस के अंदर उसी को मार दिया जाता है। ये कितना अन्याय है! ये कोई भी धर्म दर्शन मांसाहार की इजाजत नहीं देता है। ये मनुष्य जो करता है वो अपनी दुष्प्रवृत्ति के कारण करता है। इसीलिए आज के विषय के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा इस सारी सृष्टि के मनुष्यों को, 7 अरब को, कि मांसाहार को छोड़ें। आपका शरीर है, आपको शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा, तो उसके लिए ईश्वर ने हमें वनस्पति फ्रूट गाय का दूध अन्य तरह की चीज़ें और ड्राई फ्रूट्स अन्य तरह की इतनी इतनी चीज़ें दी है कि मनुष्य उससे आराम से निर्वाह करता है कर सकता है। अगर मैं सृष्टि जब बनी प्रारंभ के अंदर जाऊं तो उस वक्त में अग्नि नहीं थी, उसमें भोजन पकाया नहीं जाता था, पक्के घर नहीं बने थे, कंद मूल खा कर के लोग जीवन यापन करते थे। वो सृष्टि के कितने संरक्षक थे, जितनी आवश्यकता थी वो उतने ही खाते थे। और वो तो ऐसे लोग थे कि उस वक्त में कल्प वृक्ष हुआ करते थे, 1% भी जो वेस्टेज नहीं होता। कल्प वृक्ष के अंदर वो योगलिक प्राणी होते थे, वो प्रार्थना करते थे कि मुझे भूख लगी, भोजन चाहिए, तो वो कल्प वृक्ष प्रार्थना करते थे, कल्प वृक्ष जैसा उसकी इच्छा होती थी वैसा भोजन उसको हमेशा मिल जाता था। बंधुओं ये सही तरीका है, ये जगत है, ये जगत हमको जीवन दे रहा है, हमको प्राण दे रहा है, हमको निवास दे रहा है, हमको सुख दे रहा है, और इस जगत को ही हम समाप्त करने में तुले हुए हैं वो मांसाहार के माध्यम से। आज पूरी 7 अरब की जनसंख्या के अंदर डाटा बताऊं तो 50% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। वो अगर मेरी बात को सुन रहे हैं और जगत की अवधारणा की विषय को सुन रहे हैं तो मेरी अपील है कि मांसाहार को छोड़ें। भारत एक ऐसा देश है, वो शाकाहारी देश है, वो जगत की अवधारणा को मानता है, ईश्वर को मानता है, इसीलिए वो शाकाहार में विश्वास करते हैं। और भारतवर्ष के अंदर हमारा एक जैन धर्म है वो पूर्णतया शाकाहारी है, इसीलिए वो मांसाहार का बिल्कुल उपयोग नहीं करते, बल्कि जो ऐसे जमी कंद होते हैं जो कि जड़ के रूप के अंदर, जैसे कि आलू है, आप गाजर है, प्याज है,
शलजम है जो कि जमीन के अंदर जिसकी जो है वो जड़ से पैदा होते हैं उसको कंद मूल कहते हैं। वो ज्ञानी लोग जो मानते हैं उसमें असंख्य आत्माओं का निवास है तो ज़्यादातर उसका भी भक्षण नहीं करते हैं, वो अभक्ष्य अभोज्य माना जाता है। तो आज विश्व के अंदर जैन फूड की बड़ी साख है। कोई व्यक्ति होटल में, फ्लाइट के अंदर, देश में, विदेश में जैन फूड मांगता है तो उसका जो है उस होटल वाला, उस फ्लाइट वाला ये अंकन कर रहा है, अंकन कर लेता है ये व्यक्ति सात्विक है, ये व्यक्ति नैतिक है जो इस तरीके का भोजन की डिमांड कर रहा है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति धन्यवाद, साधु साधुवाद। आज प्रतिदिन कार्यक्रम को बड़े चाव के साथ, इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और कुछ न कुछ पाते हैं। प्रतिदिन के इस कार्यक्रम में आपको कुछ न कुछ लाभ के सूत्र मिलते हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य है जगत कल्याण करना है, मानव मात्र का कल्याण करना है, मानव मात्र को सुधारना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो और आप जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ के अंदर ये जीवन यापन करें और दूसरे प्राणियों की सेवा के अंदर जीवन को लगाएं। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।